छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में ब्लॉक स्तर से सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, युवाओं और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी संगठनों के युवाओं से आगामी चुनाव के लिए टिकट की मांग हेतु आवेदन पत्र मांगे हैं। और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ये कहते हैं कि कांग्रेस की टिकट वे बांट रहे हैं और उन्होंने इस बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया और ठाकुर को छोड़कर सीट बांटी जाएगी। कहा, टिकट बांटने के लिए निकला हूँ, जो टिकट की मांग करेगा उसको हम टिकट देंगे। और मुख्य बात यह है कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर को हम नहीं देंगे, चाहे वो दुखी हो सुखी हो, ब्राह्मण बनिया ठाकुर को हम नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देशानुसार कांग्रेस संगठन ने अपने ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, अपने सहयोगी संगठनों से आगामी विधानसभा टिकट के लिए आवेदन पत्र का को मंगाया था। बहुत बड़ी तादाद में आवेदन इकट्ठे हुए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के पिताजी ये कहते हैं कि टिकट तो मैं बांटूंगा, और उसके बाद ये बोलते हैं कि बामन बनिया और ठाकुर को टिकट नहीं मिलेगी। तो आपने क्या जो कार्यकर्ता हैं और जो युवा हैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया? आप पहले ही कंडीशन डाल देते कि इसको टिकट मिलेगी या इसको नहीं मिलेगी। ये आपका दोहरा चरित्र आपको ले डूबेगा और ले डूबा है। इसीलिए आप 400 सीटों से 50 सीटों में आ गए। इसीलिए पिछले 30 सालों से जो नेता आपको छोड़ के नहीं जा रहे थे पिछले 3 सालों में चले गए। इसीलिए 2014 में जहां आपकी 9 राज्यों में सरकार थी, आज सिर्फ 3 राज्यों में महज रह गई है। यही दोहरा चरित्र आपको और ले डूबेगा। आप बारूद के ढेर में दिया लेके अपनी जीत को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिसकी नींव कमजोर हो, जिसके उद्देश्य ही गलत हो, उसका काम कभी सफल नहीं होता। और यही आप छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कर रहे हैं। पहले छत्तीसगढ़ की जनता को आपने धूल झोंका और आज अपने कार्यकर्ताओं से काम लेने के लिए आप उनकी आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। वर्गों से वर्ग मिलाने लड़ाने का काम और अपनी सत्ता को काबिज रखने का काम ही कांग्रेस पार्टी करते आई है। हमें इनसे सावधान रहना।